देखें क्रिक बीच पे, क्रिक पार्क का बीच है ये। इसके अंदर बहुत सारी फिशेस हैं, क्रैब्स हैं और श्रिम्प्स हैं, प्रॉन्स, सब कुछ मैंने कितनी बार देखा। मैं जो आपको व्यू दिखाना चाह रही थी फ्रेंड्स, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ पे बहुत अच्छा नज़र आता था। अभी बल्कि इसके अंदर फ़िश भी है, मुझे नज़र आ रही है। शायद मैं पानी में आगे नहीं जा पाऊँगी क्योंकि ये रेत बहुत गीली है। ओह माय गॉड, गीली है, नहीं जा पाऊँगी। चलिए फ्रेंड्स, फिर कभी आऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। फ़िशेस भी नज़र आ रही हैं, इधर बड़ी बड़ी फ़िशेस हैं, बट इधर फ़िशिंग अलाउ नहीं है इसलिए यहाँ फ़िशेस हैं। अदरवाइज़ उन्होंने पहले ही नेट लगाया होता है तो वहाँ से सी पे, बीच साइड पे कभी भी नहीं फ़िशेस आती। ये देखें पीछे मेरे पार्क है और ये बीच की क्रिक बीच पार्क है। ये फ्रेंड्स देखें कितना घना दरख्त है, इसके नीचे से गुजरते भी डर लगता है, बट मैं शॉर्टकट ले रही हूँ क्योंकि ज़्यादा चलना नहीं जा रहा। शूज़ मैंने एक्चुअली नए लिए हैं तो मुझे लग रहे हैं, और आज तो मेरा एटलीस्ट हाफ केजी तो वेट लूज हो ही जाएगा जितना ये बड़ा पार्क है। ये देखिए फ्रेंड्स, हर वैरायटी के यहाँ पे दरख्त लगाए हुए हैं। ट्रीज देखिए कितने खूबसूरत है। ये देखें ये ट्री कैसा है, माशाल्लाह खूबसूरत है। नाम नहीं मुझे आते, बट आप देखें, मेरे साथ एंजॉय करें। ये तो आई थिंक पीपल का है, ये पता नहीं कौन सा है, और ये भी पता नहीं कौन सा है, और ये देखें ये भी पता नहीं कौन से हैं। नई नई मखलूक है। और ये ऐसे दरख्त तो मेरा में हमारे पाकिस्तान में मरी में बहुत ज़्यादा है शायद, मुझे लग रहा है वैसे हैं, बट है या नहीं है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इस पर कुछ फल लगा हुआ है, अभी पता नहीं ये क्या है। ये फ्रेंड ये पता नहीं क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। जी फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे पीछे से साउंड, आई थिंक पता नहीं क्यों काम हो रहा है। इन लोगों ने पता नहीं क्यों ये सारे बारबेक्यू के जो एरिया है वो सारा तोड़ फोड़ दिया है। कुछ का बना रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं शायद। फ्रेंड्स घास पे बैठने का अपना ही मज़ा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे बैठ के ना, इधर एंजॉय कर रही हूँ। ठंडा ठंडा घास है, लेकिन यहाँ इस घास पे ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते क्योंकि इस घास की खसूसियत यह है कि यहाँ पे कोई मॉस्किटो कोई भी इंसेक्ट्स नहीं होते हैं क्योंकि इन लोगों ने स्प्रे किया होता है बहुत ज़बरदस्त और बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर आप थोड़ी देर ज़्यादा देर बैठ जाएं इधर घास पे विदाउट कुछ बिछाए तो आपको ईचिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत व्यू है, ईचिंग शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ इन्होंने इतनी स्प्रे की होती है ना कि इंसेक्ट को मारने के चक्कर में, तो हमें भी प्रॉब्लम आती है। जी फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। बहुत साउंड है अभी मेरे हाल में, हाँ गाड़ी गुजर रही है। देखा यहाँ पे मैं आपको फ्रेंड्स पीछे का व्यू दिखाती हूँ, उसमें देखें ट्रीज का क्या कलर है, इतना खूबसूरत है ना माशाल्लाह। जी फ्रेंड्स देखें प्लेन गुजर रहा है, ये सी वाला है, इसको क्या बोलते हैं अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। ये पानी में चलता है, तो टूरिस्ट लोग आते हैं, इसको बैठते हैं, समंदर में ये उतरता है। और फ्रेंड्स ये देखें माशाल्लाह से अल्लाह ताला की कुदरत देखें, वो येलो कलर का ट्री देखें, मुख्तलिफ कलर के, हर कलर डिफरेंट है, इतने खूबसूरत है ना। अल्लाह ताला ने कितनी कलरफुल लाइफ दी है हमें, हमने कभी देखा नहीं, इंजॉय नहीं किया। इतना खूबसूरत व्यू है ना, दिल को सुकून मिल रहा है माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए नीचे पर्पल कलर का है लगाया हुआ इन्होंने, टोटली डिफरेंट। फ्रेंड्स ये देखें सारे प्लेन गुजर रहे हैं, अगर आपको नज़र आए, दूसरा प्लेन भी है पैसेंजर वाला और एक दूसरा है ये पानी वाला। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से चलते हैं, आपको और व्यू दिखा, थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। बहुत बड़ा पार्क है, मैं ज़्यादा दिखाऊंगी तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, तो शॉर्टकट में दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स ट्री कितना अच्छा लग रहा है ना, कैसे कटिंग की है, कितनी खूबसूरती अलहदा से है। वो ट्री देखें, हर ट्री की अपनी खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। वो ट्री देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो, उस तरफ टॉयलेट्स हैं ये देखें। और यहाँ की अच्छी बात यह है कि टॉयलेट्स कहीं भी यूएई में कहीं भी चले जाएं, हर जगह साफ़ सुथरी मिलती हैं, ज़बरदस्त मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के। ये जो आपको मैं दिखा रही थी ये बारबेक्यू का था, आई थिंक उसको दोबारा मेंटेनेंस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट ये सारा बारबेक्यू का एरिया था, जगह जगह इन्होंने तोड़ा हुआ है, कुछ कर रहे हैं इसका। तो यहाँ लोग फैमिलीज आती हैं, बारबेक्यू करती हैं, एंजॉय करती हैं, फुल वीकेंड एंजॉय करते हैं यहाँ पे। ये देखें फ्रेंड्स इतना खूबसूरत व्यू है ना। अब मुझे समझ नहीं आ रही टू वे हैं, राइट पे जाऊँ लेफ्ट पे जाऊँ, समझ नहीं आ रही है। चलें मैं बाहर से ही जाती हूँ, आपको रास्ता दिखाती हूँ। ये देखिए इन्होंने पानी का कुछ लगाया हुआ है, वो देखें ये वुमेन टॉयलेट है, उस तरफ दूसरी तरफ जेंट्स की है। मेट्रो जा रही है, ट्रेन आपको दिखाऊंगी मैं। जी फ्रेंड्स मैंने जो लेफ्ट लिया था अभी राइट साइड पे आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ टॉयलेट्स थी, रास्ता क्लोज था, तो मैं इधर आ गई हूँ। ये देखें वहाँ पे कुछ ये बारबेक्यू का जो एरिया है उसको कुछ कर रहे हैं ठीक से। जी फ्रेंड्स आप ये कोयल है शायद, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसकी आवाज़ सुने, इतनी अच्छी आ रही है ना, इतनी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है। हवा भी थोड़ी थोड़ी चली है, तो बाल सारे खुले मेरे बाल हैं, तो बाल ख़राब हो जाते हैं। ये देखें जी फ्रेंड्स मुझे और ज़्यादा बातें नहीं आती, अभी मुझे समझ नहीं आ रही, पार्क नहीं ख़त्म हो रहा, बातें मेरी ख़त्म हो गई हैं। तो चलिए आप फिर देखिए, जस्ट व्यू ही करवाती हूँ, बातें जो आएंगी तो बता दूँगी, साथ साथ में व्यू बताऊँगी, इससे ज़्यादा बातें मैं कर नहीं सकती। ये देखें फ्रेंड्स इधर भी टॉयलेट है, वो मैंने आपको दिखाया था, दूसरी तरफ भी था, पानी का कूलर भी लगा हुआ है, इधर ठंडा फ्रिज, वो राइट साइड पे इधर नज़र आए। और वो देखें क्लीन कर रहे हैं, क्लीनर। ये सारा वॉक का है, बहुत से लोग आते हैं डेली इधर वॉक करने। अभी धूप में इतना अच्छा लग रहा है, तो फ्रेंड्स मॉर्निंग में कितना अच्छा लगेगा, ये हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। फ्रेंड दूसरी तरफ चलते हैं शॉर्टकट में। ये देखें दरख्त कैसे हैं, ऐसे लग रहा है मैं किसी जंगल में आ गया हूँ चारों साइड पे। फ्रेंड्स ये देखें ये एरिया है, यहाँ पे डॉल्फिन शो जो मैंने बताया था लगता है। आई डोंट नो इसकी टाइमिंग क्या है, मैं आपको किसी दिन लेके जाऊँगी। और अभी मैं अकेली आई हूँ तो आपको विज़िट कराने के लिए, तो इसलिए मैं अकेली जाना भी नहीं चाहती। किसी दिन फ्रेंड्स के साथ आऊँगी, अकेले अच्छा नहीं लगता कहीं घूमना फिरना। बस हाँ वीडियो शूट के लिए चले ठीक है, आप लोगों के लिए मैं आ सकती हूँ, बट इस तरह का शो देखना मूवीज़ देखना वो फ्रेंड्स के साथ ही अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके देती हूँ, आप भी देखिए। यहाँ आई थिंक स्कूल के बच्चों का कोई ट्रिप आया हुआ है, वो लोग भी कहीं शो के लिए आए हैं। अभी क्या टाइमिंग आई डोंट नो, वेट कर रहे हैं शायद। फ्रेंड इसकी इंफॉर्मेशन है, ये देखिए। फ्रेंड्स यहाँ पे ये काफ़ी सारे बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए हैं, लेकिन आई थिंक ये शाम को ही खुलते हैं, ओपन होगा क्योंकि इस टाइम हाँ बच्चे हैं उधर कुछ, तो बच्चों के लिए राइड्स हैं काफ़ी। ये देखें सब लोग वीडियो कैप्चर कर रहे हैं, ये बच्चों के लिए है, बड़ों का तो नहीं लग रहा, ये बच्चों के लिए है। ये देखें कैमल है, कैमल राइडिंग। कुछ टी शॉप्स हैं यहाँ पे, कुछ बंद है कुछ ओपन है। जी फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, आज का व्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में लिखें आपको कैसा वीडियो अच्छा लगा और आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही गुलनाज़ बानो यूएई व्लॉगर को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।